नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को ऐसे सबूत मिल गए हैं जो कोर्ट में पेश किए गए तो जज साहब भी हैरान हो गए। दरअसल कुछ नोट बरामद हुए हैं और उन नोटों की फोटो ईडी ने कोर्ट में पेश की है, और जिससे केजरीवाल का ना सिर्फ हवाला कारोबार सामने आ गया है बल्कि ईडी ने केजरीवाल को इस शराब घोटाले का साजिशकर्ता और अहम कड़ी बता दिया है। तो जिस तरीके से अभिषेक, एक नोट की फोटो भी वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि ये वही नोट है जिससे हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जेल के दरवाजे अब शायद बंद होते नजर आ रहे हैं। जेल के दरवाजे तो उनके लिए पहले से ही बंद है। वो सोच रहे थे कि वो खुल जाएंगे जिस जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। अरविंद केजरीवाल के चेहरे की जो हंसी थी वो उसके बाद गायब हो गई जब सीबीआई ने उनकी हिरासत ले ली, और अब सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी की तरफ से कोर्ट में जमा कर दी गई है, जिसमें कुछ नोट्स की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो नोट्स मिले हैं ये देखिए, ये एक रुपये का नोट है, और जिस तरीके से हमने ऐसा सुना है शबनम, कभी हवाला कारोबार किया तो नहीं है, कि वो पिछला नोट दिखाइएगा कि एक नोट के दो टुकड़े करते हैं या फिर दो नोट होते हैं उन पर सेम नंबर लिखा जाता है, कुछ पहचान लिखी जाती है। एक नोट उसके पास होता है, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जिसे पैसा लेना है, और एक नोट उसके पास होता है जिसे पैसा देना है, कुछ इस तरीके से होता है। और ये फोटोज मिले हैं विनोद चौहान नाम के शख्स के फोन से। सबसे अहम कड़ी विनोद चौहान बताया जा रहा है, जिसकी केजरीवाल के साथ बकायदा चैट मिली है। ये डायरेक्ट मुलाकात, मतलब डायरेक्ट उसकी जो मैसेजिंग हुई है, जिसे डीएम आजकल की भाषा में बोलते हैं कि डायरेक्ट मैसेज, वो अरविंद केजरीवाल से उनके हुए हैं। और ये जो मतलब सारा हवाला का जो पैसा था, ये इसी ने, हवाला ऑपरेटर से ये जो विनोद चौहान है इसी ने उठाया है। अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकर्ता पंजाब में काम, माफ कीजिएगा, गोवा में काम कर रहे थे, उन्हें ये दिए हैं। एक एक कर अब आपको हम सबूत दिखाते हैं। देखिए, इसमें एक 100 रुपए का नोट है जो विनोद चौहान की चैट हुई है अरविंद केजरीवाल से। इस चैट का फोटो ईडी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया है। 100 रुपए का नोट है जिसका जो है सीरियल नंबर 973850 एंड ए मैसेज दैट 2.5 डिलीवर्ड, इस तरीके की। और दिखाइएगा, और भी काफी सबूत जो है ईडी को मिले हैं, और कुछ चैट्स हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। गुड मॉर्निंग सर, एज रिक्वेस्टेड अर्लियर, जस्टिस रंजन गुप्ता सिटिंग जज पटना हाई कोर्ट इज डिस्कस टू मीट यू। ही हैज बीन जज ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सिंस 2007 टू 2021। ही इज प्रेजेंटली श्योर, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से ये जो चैट्स हुई हैं, जन्मदिन की जो है शुभकामनाएं भी विनोद चौहान की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। तो ये नोट अब अरविंद केजरीवाल ने जो असल, हालांकि हम इन सबूतों की पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या ये वही सबूत हैं जो ईडी ने अपनी सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाईकोर्ट के सामने रखे हैं। शबनम, फिलहाल ये वायरल, अभी सोशल मीडिया पर ये सबूत वायरल हो रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ हवाला कारोबार को खुलासा करने वाले। इसी के साथ ईडी ने एक और बड़ा खुलासा कोर्ट में कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि साउथ लॉबी के जरिए 100 करोड़ की रकम आम आदमी पार्टी के पास पहुंचाई गई, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है और अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। इन 100 करोड़ की रकम में से ही हवाला कारोबार के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में पहुंचाए गए, और ये पैसे पहुंचाने का काम कर रहा था विनोद चौहान। तो विनोद चौहान के पास से जो तमाम सबूत अब ईडी के हाथ लगे हैं और कोर्ट में रखे गए हैं, वो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और अभिषेक, एक बात और है कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं, जैसे कि पूरी पार्टी को इतिहास में पहली बार है कि जब किसी एक राजनीतिक दल को किसी क्राइम में आरोपी बनाया गया है, तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए खड़ी होंगी क्योंकि उसकी सदस्यता भी जा सकती है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो मामले में चुनाव आयोग की एंट्री हो सकती है, और चुनाव आयोग ना सिर्फ सदस्यता रद्द कर सकता है बल्कि चुनाव चिन्ह भी जब्त कर सकता है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है, ईडी ने खेल कर दिया है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और अब कहा जा रहा है कि अभिषेक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर भी लग सकता है, क्योंकि सबूतों में कहीं ना कहीं उनके नाम का भी जिक्र किया गया। नहीं, वो उस वक्त गोवा चुनाव जब चल रहा था तो गोवा चुनाव के प्रभारी थे दोनों। हाँ, दुर्गेश पाठक का भी इसमें नाम शामिल है। दुर्गेश पाठक से भी ईडी जो है वो पूछताछ कर चुकी है। दुर्गेश पाठक को ही विनोद चौहान के जरिए पैसा दिया गया, ऐसा ईडी की चार्जशीट में लिखा है। अब जो आपने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है, आरोपी नंबर 38, जिस तरीके से एक फिल्म भी थी अमिताभ बच्चन की, कैदी नंबर जो भी कुछ था, वो ऐसे ही जो है आरोपी नंबर 38 आम आदमी पार्टी को बनाया गया।
अगर दोषी आम आदमी पार्टी पाई जाती है, मतलब ईडी ने जो आधार बनाया वो ये आधार बनाया शबनम कि जो साउथ लोबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आई है उसमें मनी ट्रेल जो पैसा आया है उसमें 45 करोड़ रुपए गोवा में आपने खर्च कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है? अब जब कैश में पैसे का लेन देन हुआ, जो खर्च हुआ वो पैसा तो मिलने वाला नहीं है। अब आइए पीएमएलए के का जो पीएमएलए का जो सेक्शन है 70, उसके तहत जिसके ऊपर आरोप लगा है उसे खुद को निर्दोष साबित करना होगा तभी जाकर वो बरी होगा। और इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टी है, मतलब कोई ऐसी संस्था है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उस पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगते हैं, उस पर अगर रिश्वत के या पैसे के आरोप लगते हैं, तो जो उसके आला अधिकारी होंगे, जितने भी उसके आला अधिकारी होंगे या पदाधिकारी होंगे, उन सब पर केस चलाया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी पर माफ कीजिएगा जो अहम पदों पर बैठे हैं उन्हें उस पैसे की जानकारी नहीं हो कि कहीं से पैसा आया और कहीं पर पैसा खर्च कर दिया गया। इसी धारा के तहत अरविंद केजरीवाल अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी धारा के तहत आम आदमी पार्टी भी जो है वो शबनम इसमें फंसी है। अगर दोषी पाई जाती है तो फिर चुनाव आयोग का जो विवेक होगा वो किस तरीके से उन पर कार्रवाई करता है। तो फिलहाल ईडी ने न सिर्फ केजरीवाल, विनोद चौहान, बल्कि अभिषेक बोयिनपल्ली के चैट्स भी कोर्ट में रख दिए हैं और इन चैट के द्वारा ही खुलासा हो रहा है कि कैसे हवाला कारोबार ये लोग कर रहे थे और लगातार पैसे की हेराफेरी की जा रही थी। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी पर घोटाले के आरोप लगे, ईडी ने शिकंजा कसा, उसके साथ ही तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो गए अभिषेक, तो आम आदमी पार्टी के खात्मे की खबर भी शुरू आनी शुरू हो गई है। मतलब भनक लग गई है नेताओं को, क्योंकि जो है नेता जो है जो नाव में सवार जो सवारी हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये नाव डूबने वाली है या ये पार लग जाएगी। अब जैसे कि जो है आनंद जो है मंत्री थे, वो पहले बीएसपी में गए, राजकुमार आनंद, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और अब फिर वो जो है बीजेपी में आ गए। उसके अलावा एक विधायक है उनके तंवर, वो भी जो है बीजेपी में आ गए हैं, उससे पहले वो बीजेपी में ही थे, 10 साल रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ और अब उन्होंने कहा कि हमारी घर वापसी हमने कर लिया। तो कुल मिलाकर विधायक और पूर्व विधायक मिलाकर 4 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं शबनम ऐसा भी लगता है जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है कि कहीं ये अंत की शुरुआत तो नहीं है, क्या जो बड़े नेता है वो भाप चुके हैं कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन में लिप्त हैं और पार्टी पर भी अब सवाल खड़े हो सकते हैं। और बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव सर पर हैं और आम आदमी पार्टी लगातार अब जो है उसका वोट बैंक या फिर उसकी जो लोकप्रियता है वो भी अब घटने लगी है। तो जिस तरीके से अब ईडी ने खुलासा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर कर दिया है, उसके बाद से आपके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।